नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त डॉक्टर आशीष। आज के इस नए एपिसोड में आप सभी मित्रों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, नौजवान लड़के और लड़कियों को चेहरे पर पिंपल्स हो जाते हैं, लेकिन दोस्तों हमारा आज का टॉपिक पिंपल्स के लिए नहीं है। हमारा आज का टॉपिक है पिंपल ठीक हो जाने के बाद में जो चेहरे पे गड्ढे रह जाते हैं उन्हें हम कैसे ठीक करें। दोस्तों, जैसा कि आप इन चित्रों में देख रहे हैं, पिंपल तो चले गए हैं लेकिन चेहरे पर पूरे चेहरे पर गड्ढे गड्ढे छोड़ गए हैं। दोस्तों, इन गड्ढों के लिए एलोपैथी ट्रीटमेंट के लिए जब हम जाते हैं तो इनका बहुत कॉस्टली ट्रीटमेंट होता है और बहुत लंबे समय तक ट्रीटमेंट चलता है, तब जाकर ये गड्ढे ठीक हो पाते हैं। नौजवान लड़के और लड़कियां जिनके चेहरे पर पिंपल हो जाते हैं वो एक बहुत बड़ी गलती करते हैं कि वो अपने हाथ से इन पिंपल्स को फोड़ते हैं। जब हम अपने हाथ से पिंपल्स को फोड़ देते हैं तो उनके अंदर जो रिपेयर करने वाली प्रॉपर्टी होती है, जो कोलेजन प्रोटीन होता है, वह भी निकल जाता है। इसलिए उन पिंपल की जगह पर गड्ढे रह जाते हैं जो देखने में बेहद बुरे लगते हैं। दोस्तों, जिन लोगों के अंदर कोलेजन प्रोटीन पर्याप्त मात्रा में नहीं बनता, कोलेजन प्रोटीन ही हमारी स्किन को रिपेयर करता है। हमारी स्किन में अगर दाग धब्बे हैं, हमारी स्किन में अगर गड्ढे हैं, हमारी स्किन अगर लूज हो गई है, हमारी स्किन अगर रूखी सूखी है, तो उसे ठीक करने का काम कोलेजन प्रोटीन ही करता है। लेकिन दोस्तों, जब इस प्रोटीन की कमी हो जाती है तो हमारे गड्ढे नहीं भर पाते और पूरी उम्र ऐसे ही हमारे चेहरे पर गड्ढे बने रहते हैं। दोस्तों, ये जो हमारे चेहरे पर पिंपल्स के गड्ढे रह जाते हैं, इसके लिए बहुत सारे लोग अनेकों प्रकार की क्रीम लगाते हैं, अनेकों प्रकार की दवाइयां खाते हैं, अनेकों प्रकार का ट्रीटमेंट लेते हैं, लेकिन ये ठीक नहीं हो पाते और इन्हीं गड्ढों की वजह से व्यक्ति के आत्मविश्वास में भी कमी आ जाती है। अगर हम इसके एलोपैथिक ट्रीटमेंट की बात करें तो इसमें हम लेजर ट्रीटमेंट करा सकते हैं, जो काफी कॉस्टली होता है और काफी लंबे समय तक इसका ट्रीटमेंट चलता है। या इसका दूसरा ट्रीटमेंट बोटॉक्स के इंजेक्शन डॉक्टर लगाता है, ये इंजेक्शन भी काफी लंबे समय तक लगते हैं और ये काफी कॉस्टली भी होते हैं। इसका तीसरा एलोपैथिक ट्रीटमेंट होता है कोलेजन के इंजेक्शन, कोलेजन प्रोटीन के इंजेक्शन लगते हैं, ये भी काफी कॉस्टली होते हैं और काफी लंबे समय तक ये ट्रीटमेंट चलता है। इसलिए दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको होम्योपैथिक ट्रीटमेंट बताने वाला हूं, जो आपको बिल्कुल भी महंगा नहीं पड़ेगा और काफी कम समय में बहुत ही अच्छे रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे। दोस्तों, एक्ने के गड्ढों को ठीक करने के लिए केवल दो होम्योपैथिक दवाई आपको लेनी है। पहली दवाई का नाम है कैलकेयर या फ्लोर 3X और दूसरी दवाई का नाम है साइलिसिया 3X। दोनों ही दवाइयां टैबलेट की फॉर्म में आती हैं। दोनों दवाइयों के चित्र मैं आपको दिखा देता हूं। आपको इन दोनों दवाइयों की चार चार टैबलेट दिन में 3 बार सुबह दोपहर शाम अपने मुंह में डाल के टॉफी की तरह चूसनी है। दोस्तों, जब आप इस प्रकार ये दवाइयां लेना शुरू करते हो तो शुरुआत के 15 दिन में ही आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा, लेकिन दोस्तों फिर भी आपको ये दवाइयां कम से कम 2 महीने तक कंटिन्यू रखनी है। ऐसा नहीं करना है कि आपने 1 सप्ताह दवाई ली या 10 दिन दवाई ली और आपको लगा कि रिजल्ट तो नहीं मिल रहा है और आपने दवाइयां बंद कर दी। दोस्तों, होम्योपैथिक दवाइयों का रिजल्ट मिलने में थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलता है। अगर आप धैर्य पूर्वक इन दवाइयों का सेवन करेंगे तो 2 महीने लगातार लेने के बाद आप देखेंगे कि 90% आपके चेहरे के गड्ढे भर गए हैं, चेहरे की स्किन पूरी रिपेयर हो गई है और आपका चेहरा आकर्षक दिखने लगा है। दोस्तों, अगर आप चाहें तो इसको 3 से 4 महीने तक भी कंटिन्यू कर सकते हैं। इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है और ना ही ये दवाइयां महंगी हैं, आप आराम से इनका खर्चा उठा सकते हैं। दोस्तों, अगर आप और जल्दी रिजल्ट चाहते हैं तो आप इन दोनों होम्योपैथिक दवाइयों के साथ साथ एक लगाने वाली क्रीम भी आपको बता रहा हूं, उसको भी अगर आप लगाएंगे तो बहुत ही अच्छे और बहुत ही जल्दी रिजल्ट आपको मिलेंगे। दोस्तों, ये क्रीम आती है मेडिसिन कंपनी की एक्विफोलियम क्रीम, इसका चित्र भी मैं आपको दिखा देता हूं। ये क्रीम आपको दिन में 2 बार लगानी है, पूरे चेहरे पे ना लगाएं। जहां जहां भी आपको पिंपल है या जहां भी आपको गड्ढे दिखाई देते हैं वहां वहां पर अच्छी प्रकार से लगा लें। आप इसे दिन में 3 बार भी लगा सकते हैं, बहुत अच्छी क्रीम है। क्रीम और दवाइयां अगर आप साथ साथ इस्तेमाल करते हैं तो आपको 15 दिन में ही बहुत ही अच्छे रिजल्ट मिलने वाले हैं। तो दोस्तों, आज इसी छोटी सी जानकारी को लेकर आपके बीच आया था। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक जरूर करें और अगर आप होम्योपैथी में रुचि रखते हैं तो मेरे इस चैनल हेल्थ इंडिया को सब्सक्राइब भी जरूर करें। आप सभी दोस्तों का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आपको मेरा नमस्कार।